क्या आप भी ओवर प्राइसिंग के शिकार हुए हैं? क्या आपको लगता है कि किसी एक ब्रांड की कीमत सामान्य दुकान पर कुछ और मॉल के अंदर कुछ और होती है? और अगर ऐसा है तो क्या आपने कभी इसके बारे में शिकायत करने की सोची? आज अपने इस स्पेशल शो में मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी से ज्यादा वसूलने का मुद्दा हम उठा रहे हैं। तो आखिर कब तक हम एमआरपी से ज्यादा दाम चुकाएंगे? क्या है इस मुद्दे को लेकर कानून? ये हम समझेंगे अगले एक घंटे के इस शो में। सबसे पहले ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी समझने की जरूरत है कि एमआरपी क्या है। दरअसल हर कमोडिटी पर एमआरपी एक्ट के मुताबिक मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखना अनिवार्य होता है और नियम है कि ये दुकानदार या विक्रेता इस दाम से ज्यादा कमोडिटी को नहीं बेच सकता है। हालांकि ये अधिकार जरूर है कि कोई दुकानदार या विक्रेता डिस्काउंट देना चाहे तो दे सकता है। नियम कानून की ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर। जिस कोल्ड ड्रिंक पर एमआरपी लिखा है 35 रुपए, उसी के लिए ये दुकानदार धड़ल्ले से 40 रुपए मांग रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं। इसके बाद हम दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाहर एक फूड काउंटर पहुँचे। यहाँ के रेट बोर्ड पर पानी की बोतल के दाम ही नहीं लिखे हैं ताकि मनमानी कीमत वसूली जा सके। ओवरचार्जिंग पर पहले से नियम है और इसके बावजूद एमआरपी से ज्यादा चार्ज करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार खुलेआम ओवरचार्जिंग कर रहे हैं। जगह जगह जब हम क्विक होते हैं, हरी में होते हैं, तो हम इन चीजों पे फोकस नहीं करते, बट हाउ इट इज नॉट आर ड्यूटी, इट इज गवर्नमेंट ड्यूटी कि उस पे एमआरपी से ऊपर कोई भी चीजें ना हो। ऐसा आना जिस टाइम जल्दी में होते हैं तो 20 की जगह 30 की भी ले लेते हैं, मॉलों में जाते हैं, मॉलों में, ट्रेनों में, अब वहाँ पानी के लिए कुतने को कुक रहेगा, मैं 20 की जगह 30 की ले ली, वैसे करो भी काम को जल्दी जल्दी निकलो। एमआरपी से ज्यादा जब भी मिलेगा लोकल मार्केट से लेंगे, शॉपकीपर से लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि एमआरपी से ऊपर वो लोग बिल नहीं करते। अगर वो एमआरपी से ऊपर बिल करते हैं तो एमआरपी फाड़ के देते हैं, बॉक्स पे मेंशन नहीं होती ताकि कस्टमर क्लेम ना कर पाए। ये हाल तब है जब एमआरपी से ज्यादा वसूलना कानूनी तौर पर गलत है। एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें हर साल हजारों की संख्या में मिलती हैं और सरकार का कहना है कि वो एमआरपी एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वी आर वेरी कॉशियस अबाउट दैट दैट द एक्ट एंड रूल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एंड आई होप दैट अप टू 2000 मार्च Such type of things you'll never seen at any one of the places. हमारे देश में ओवरचार्जिंग या एमआरपी से ज्यादा बेचना हमेशा से एक समस्या रही है। दुनिया भर में हर मार्केट में एमआरपी का कानून मैंडेटरी है कि आप किसी मॉल में, किसी दुकान पे, किसी बाजार में आप कोई चीज डिब्बा बंद खरीदें तो एमआरपी अगर उस पर लिखा हुआ है उससे ज्यादा मत दे पैसे। यदि पैसे आपसे कोई मांगता है तो आप बोलो जी लो पैसे और मुझे रसीद दे दो इसकी, और उस रसीद के बेसिस पे आप उसकी शिकायत अपने प्रदेश के वेट्स एंड मेजर्स कंट्रोलर यानी कि लीगल मेट्रोलॉजी के कंट्रोलर को आप दीजिए लिख के उस प्रूफ के साथ, और उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ओवरचार्जिंग और ड्यूअल प्राइसिंग को लेकर हमेशा से कंफ्यूजन रहता है। आगे आपको बताएंगे कि ड्यूअल प्राइसिंग आखिर होती क्या है। इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि होटल और रेस्टोरेंट वाले एमआरपी से ज्यादा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सामान बेचते नहीं बल्कि बैठने की जगह समेत तमाम तरह की सर्विस भी देते हैं, लेकिन बाकी जगहों के लिए ऐसी कोई राहत नहीं है। सुमन अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ओवर प्राइसिंग का तोड़ निकालने के लिए ही कंपनियां ड्यूअल प्राइसिंग लेकर आ गई थी, लेकिन सरकार ने नए कानून के तहत अब साफ कर दिया है कि सेम ब्रांड और सेम इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट के दो दाम नहीं हो सकते हैं। आइए अब आप ये समझिए कि ड्यूअल प्राइसिंग क्या है और इसका फायदा कुछ लोग कैसे उठा रहे थे।
नए कानून के तहत अब देश में सेम प्रोडक्ट या सेम इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट दो दाम पर बेचे नहीं जा सकते। पहले कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट एक जैसी मात्रा में होने के बावजूद जगहों के हिसाब से अलग अलग एमआरपी पर रखती थी, लेकिन नए कानून के बाद अब ऐसा संभव नहीं है। अब एक प्रोडक्ट या ब्रांड कहीं भी बेचा जाए एक ही एमआरपी पर बिकेगा। 1 जनवरी 2018 से नए कानून लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज अमेंडमेंट रूल 2017 के तहत ये लागू भी हो चुका है। ड्यूअल एमआरपी का मामला है, ये बिल्कुल ही इलीगल है, ये अपराध है और इसके खिलाफ में कोई भी आदमी जो है कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। चूंकि एमआरपी जो है एक ही एमआरपी होना चाहिए, एक वस्तु के लिए ये पानी है तो इसका एमआरपी एक होना चाहिए, ये नहीं कि सिनेमा हॉल के भीतर में अलग है या है। आमतौर पर ऐसा होता था कि एक ब्रांड का एमआरपी जहां दुकान पर अलग होता था, वहीं एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल या दूसरी जगहों पर वही ब्रांड अलग एमआरपी पर बेचा जाता था, जो अब नहीं हो सकता है। हालांकि अब कंपनियां इसका फायदा दूसरे तरीके से उठाने लगी। कंपनियां ब्रांड का नाम और इंग्रेडिएंट बदल कर या ऐड कर दाम बढ़ा रही हैं। डुअल प्राइसिंग पर रोक लगाने के बाद अब कंपनियों ने महंगे ब्रांड लॉन्च कर दिए और डुअल प्राइसिंग का दूसरा रास्ता खोज लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल ये है कि अगर आप ओवर प्राइसिंग के शिकार हुए हैं तो आप कर क्या सकते हैं, शिकायत कहां कर सकते हैं और आपके अधिकार क्या है, समझिए। जब भी आप कोई सामान महंगा या ऊंची कीमत पर खरीदते होंगे तो कई बार आप डुअल एमआरपी और ओवर प्राइसिंग जैसे शब्दों को सुनते होंगे। सवाल यह है कि अगर आप ओवर प्राइसिंग के शिकार हुए हैं तो क्या करें और कानून क्या कहता है। लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम की धारा 36 बताती है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पैक्ड वस्तु उस पर लिखी गई कीमत यानी एमआरपी से अधिक पर बेचते हुए पाया जाता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। इस तरह के आरोपी पर पहले अपराध के रूप में 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है, वहीं ऐसा अपराध दूसरी बार होने पर यह जुर्माना राशि 50,000 तक जा सकती है। इसके अलावा बार बार इस तरह का अपराध करने पर 1,00,000 तक का जुर्माना या फिर जेल की सजा का प्रावधान है। वैसे ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी तय करती है, जिसमें सामान बनाने की लागत के अलावा दुकानदारों तक सामान पहुंचाने की कीमत, सभी तरह के टैक्स और दुकानदार को होने वाले मुनाफे की रकम भी जोड़ी जाती है। इसलिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा कीमत पर दुकानदार कोई सामान नहीं बेच सकता। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपसे भी कोई दुकानदार मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा कीमत मांगता है तो आप उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800 11400 पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप +91 813 009809 पर अपना और अपने शहर का नाम लिखकर SMS भी कर सकते हैं। MRP एक्ट के मुताबिक ओवर प्राइसिंग गैर कानूनी, लेकिन बावजूद इसके मुनाफाखोरी के चक्कर में लोग ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपके सामने हम रियलिटी चेक रखते हैं जो हमारे रिपोर्टर्स ने किया है। दरअसल MRP से ज्यादा दाम वसूला कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन उसके बावजूद मुनाफाखोरी अभी भी हो रही है। सबसे पहले मुंबई का हाल हम आपको दिखाते हैं, जहां पर MRP से ज्यादा दाम कैसे वसूला जाता है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नेहा ने। एक सामान के दो अलग अलग प्राइस हम सबको चुकाना पड़ता है, लेकिन सरकार के नियमों के हिसाब से 1 जनवरी 2018 से ये बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये दुकानदारों और मॉल वालों ने इस नियम का पालन किया है, यही जानेंगे। और यही जानने के लिए मैं किराने शॉप के बाहर हूँ। मैं यहाँ से एक मिनरल वाटर खरीदूंगी और वही चीज मैं मॉल के अंदर भी जाकर देखूंगी कि क्या रेट है। तो सबसे पहले एक छोटा सा किराना का दुकान है जहाँ हम मिनरल वाटर लेंगे। मुझे एक का छोटा बॉटल दे दीजिए। कितना? तो जैसे आपने देखा ये जो है वो मुझे 10 रुपए में पड़ा है एक छोटे मोटे किराने दुकान पे। अब यही चीज जानने के लिए हम मॉल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यही मिनरल वाटर कितने में पड़ता है। तो ये मैं एक मॉल से बाहर आ रही हूँ जहां मुझे ये सेम बॉटल जो मुझे बाहर 10 रुपए में दी गई थी, सेम ब्रांड सेम बॉटल, आधे लीटर की ये बॉटल है, मुझे ये बाहर 10 रुपए में दी गई है।
वही ब्रांड का बॉटल मुझे आधा लीटर का मॉल में 29 रुपए में दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं जहाँ 10 रुपए की बॉटल 29 रुपए में बेची जा रही है, तो ये तो साफ जाहिर है कि सरकार के नियमों का पालन कतई ही नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन अमित पवार के साथ नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो आपने मुंबई का हाल तो देख लिया, किस तरह एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग दाम है। वैसे हर शहर में एमआरपी से ज्यादा लोगों को दाम तो चुकाने पड़ ही रहे हैं। मुंबई का हाल आपने दिखाया, मुंबई में कुछ ऐसे ही लोगों से बात भी की है हमारी संवाददाता नेहा ने। ड्यूएल एमआरपी हर कोई दे रहा है सरकार के नियम आने के बाद भी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानूंगी कि वो किस तरीके से डबल ट्रिपल रेट में चीज़ें खरीदते हैं जब वो मॉल के अंदर या थिएटर्स एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। आपसे जानूंगी कि किस तरीके से आप खरीदते हैं, कितना रेट आपको देना पड़ता है एक नॉर्मल सी चीज़ का जो बाहर एक नॉर्मल रेंज में है। देखिए, नॉर्मल चीज़ देखा जाए तो मॉल में तो डेफिनेट एक्सपेंसिव मिलती है। अगर एक बॉटल भी पानी के बाद समझे तो बाहर दुकान में आपको एमआरपी मिलती है, लेकिन अंदर मॉल में वही चीज़ डबल ट्रिपल हो जाती है। लेकिन बाहर दुकान में भी मैं देखा है कि लाइक एक एमआरपी के ऊपर भी 2-3 रुपए लेते हैं। तुम एक बॉटल चिल्ड लाइक आप ठंडा बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक का तो आपको 2-3 रुपए एक्स्ट्रा लगाता है वो आदमी, वो एमआरपी पे बेचता नहीं है। बस ये हांडी तो सब जगह चल रही है, विच इज़ टोटली रॉन्ग एक्चुअली। जी जी, आपसे जानेंगे कि सरकार ने नियम भी लाए हैं कि 1 जनवरी से कि अब जो ड्यूअल एमआरपी वो नहीं लगेगा ना, चाहे वो चीज़ें बाहर हो या अंदर हो एमआरपी सेम होगा, लेकिन क्या वो चीज़ें अभी भी आप फेस कर रहे हो, अभी भी आपको डबल ट्रिपल रेट देना पड़ रहा है? देखिए, ये सारा जो खेल है ना, ये एक कॉन्स्पिरसी टू डिफ्रॉड कॉमन मैन है, आम आदमी को ठगने की कोशिश है। सरकार ने नियम बनाए ड्यूअल एमआरपी ना हो, तो इन्होंने कर दिया, बोतल की साइज़ में कुछ बदलाव ला लिया, थोड़ा सा अलग ब्रांडिंग कर दिया और ब्रांड लगा के कीमत चढ़ा दी। जो चीज़ बाज़ार में 10 रुपये में मिलती है वो 30 रुपये से लेकर 70 रुपये तक ये लोग बेचते हैं। क्यों नहीं लीगल मेट्रोलॉजी सेल और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसे मको का, इट्स अ कॉन्स्पिरसी, इट्स अ कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज व्हाइट कॉलर क्राइम जिसमें कंपनियां, मॉल के धारक और अननेम्ड ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व। इनके खिलाफ तुरंत एक्शन होनी चाहिए क्योंकि जल जीवन है। अगर हम जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है पानी, उसकी कीमतों के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? और सिर्फ पानी ही नहीं, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, बेसिक चीज़ें जो बाहर सस्ती होती है, फिक्स एमआरपी होती है, लेकिन अंदर जाते ही बढ़ जाती है। तो ऐसी और कोई चीज़ें हैं जो आप देखते हैं कि एमआरपी एमआरपी ज़्यादा है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग अंदर खरीद थे तो उसका भी दाम से दुगना या तिगना ही होते हैं। ऐसे बाहर भी बाहर तो अपना कोल्ड ड्रिंक जो है वही सस्ते मिलते हैं, लेकिन बाहर भी जो पानी का बॉटल है अभी ठंडा लेंगे ना तो 2 रुपया या 5-15 रुपया लेते, कोई 12 रुपया लेते हैं। देखा कि ये वो लोग थे जो, यही लोग नहीं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ड्यूअल एमआरपी पे कर रहे हैं सरकार के ये नियम आने के बावजूद। कैमरामैन अमित पवार के साथ नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। ये आप सभी कंज्यूमर्स के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी खबर है, समझने की खबर है, क्योंकि कई बार शायद आप ये बात समझकर छोड़ देते होंगे, चलिए ठीक है ना, 5 रुपए तो ज्यादा दे रहे हैं, 10 रुपए ही ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये आपके अधिकारों का हनन है। आप चाहे पानी की बोतल हो, चिप्स का पैकेट हो, बिस्किट का पैकेट हो, कहीं पर भी आप उसके दो अलग अलग दाम नहीं दे सकते हैं। हालांकि 1 जनवरी 2018 से ये कहा गया है कि ड्यूअल प्राइसिंग नहीं होगी, एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग दाम नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर होटल और रेस्टोरों को राहत यहां पर दी थी कि हाँ, क्योंकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी किसी भी खाना देते हैं या फिर पानी के अलावा, उसके अलावा कहीं और पर ड्यूअल प्राइसिंग नहीं है, ये आपके अधिकारों का हनन है और इसके लिए सख्त से सख्त प्रावधान भी किया गया। उसके बावजूद इस तरह नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है, यही बात समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और जैसे जैसे हम शो में आगे बढ़ेंगे कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा हैं। बिजॉन, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। साथ ही संतोष शेट्टी हमारे साथ है, प्रेसिडेंट आहार इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले, कंज्यूमर्स का अधिकार क्या है? बिजॉन, हम तो यही समझते हैं कि यहाँ पर कानून आया, खुद जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा कह दिया कि देखिए ड्यूअल प्राइसिंग बिल्कुल
कानूनों के अधिकार के तहत नहीं आता है। आप एक ही प्रोडक्ट का दो अलग अलग जगह पर प्राइसिंग नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद इस तरीके से एक कंज्यूमर एक ही प्रोडक्ट का दो अलग अलग प्राइस क्यों दे? कहां पर ये यहां पर सबसे बहुत ज्यादा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? वो अपना पीछे का लोगो कैमरा में लेने को बिजोन सुन पा रहे हैं हमें? स्वाति जी, जी 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 बात पूरी कीजिए। मेजर इशू है आपको सुनाई पड़ रहा? कैन यू हियर मी? बात पूरी कीजिए। ओके, ये जो हेल्पलाइन नंबर आप दिखाए हैं स्वाति जी, द मेन थिंग इज उपभोक्ताओं का जागरूकता होनी चाहिए कि जैसे आपने हेल्पलाइन दिखाया वो हेल्पलाइन जगह जगह पे दिखनी चाहिए, सारे दुकानों में, सारे मतलब मॉल्स में, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में ये नंबर दिखनी चाहिए। ये घंटी आ रहा है, हेलो। राइट बिजोन, शायद कुछ थोड़ा बहुत लाइन में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं समझ गई आप जो कह रहे थे। एक तो सबसे पहले ये कानून की धज्जियां उड़ जाती हैं जब हम ड्यूअल प्राइसिंग की बात करते हैं। रूल्स पारित हो चुके हैं यहां पर कि 1 जनवरी 2018 के बाद आप एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग दाम नहीं दे सकते हैं। मतलब एक जगह आपको एक दाम दिख रहा है, दूसरी जगह आप मॉल के अंदर जाते हैं तो पानी की बोतल आप वहीं पर 5-10 रुपए ज्यादा, जो हमने रियलिटी चेक में भी दिखाया। बिजोन, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन संतोष शेट्टी इस वक्त हमारे साथ हैं, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, दैट इज आहार। संतोष, ये जरा एज अ कंज्यूमर, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार ड्यूअल प्राइसिंग क्यों किसी एक प्रोडक्ट की? मतलब एक जो कंज्यूमर है, चाहे वो पानी की बोतल 20 रुपए की हो, वो एक रेस्टोरेंट में जाकर या होटल में जाकर उसके 40 रुपए क्यों दे? देखो, होटल का अगर बात करते हो तो वी हैव द कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो, हमें वी कैन सर्व इट एट द, बिकॉज हम लोग बेचते नहीं, हम लोग सर्विस करते हैं। क्योंकि आप जब भी होटल में आएंगे, यू सिट देयर, टेक देयर, हमारा एम्बियंस रहता है, आपको हमारा वेटर आके पहला सर्विस करता है, देयर लॉट ऑफ एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स आल्सो। तो अपने अपने होटल्स के हिसाब से 5 स्टार से लेके नॉर्मल रेस्टोरेंट तक दे इनकर एन एडिशनल प्राइस अदर देन MRP, तो उसको तो कोर्ट ने भी बोला है, इफ यू टेक अ नॉर्मल रेस्टोरेंट ज्यादा एग्जॉर्बिडेंट लेता नहीं है, एक हिसाब से 5 से 10 रुपया ज्यादा चार्ज करता है, विच इज परमिसेबल, क्योंकि उधर बैठ के और भी सर्विस लेता है, बाद में जाते जाते वो अपना बॉडी शॉप भी खा के जाता है, तो वी प्रोवाइड देम अ सर्विस। वो हिसाब से हमें कोर्ट ने भी हैज एक्सेप्टेड दैट, हमें इंटरिम रिलीफ मिला है। ऑलराइट, कोर्ट ने डेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट ने ये रेस्टोरेंट होटल्स के लिए परमिट किया है कि हाँ आप एक पानी की बोतल ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि आपको और भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। बिजोन, शायद अब आप हमें सुन पा रहे होंगे थोड़ा बेटर ढंग से, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लैग हो, लेकिन बिजोन मैं आपसे समझना चाहूंगी और दर्शकों को चाहती हूं कि आप जरा समझाइए कि दरअसल ये जो रूल्स पारित हुए हैं 1 जनवरी 2018 से MRP को लेकर वो क्या है और जो कंज्यूमर्स है उनका अधिकार क्या कहता है। शायद लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, ठीक है 5 रुपए 10 रुपए ही तो ज्यादा देने हैं, दे देते हैं, लेकिन क्या कहता है ये रूल्स कंज्यूमर्स के लिए? रूल्स बहुत क्लियर है कि आप MRP से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यदि कोई वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में वो बॉटल से निकालकर आपको सर्व करता है, तो वो मेनू में जो भी चार्ज है वो चार्ज होगा, लेकिन आपने जो अभी विजुअल दिखाए कि वो मॉल में जाकर वही बॉटल, यू नो, और वो सबूत भी दिया कि हम रिसीट लिए और उस रिसीट में MRP से ज्यादा चार्ज किया, ये कानूनी उल्लंघन है, इस पे प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता है तुरंत। लेकिन हर समय लोग ये सोचता है कि हम 10 रुपया के लिए हम कैसे 2000 रुपया खर्चा करेंगे, कोर्ट केस करेंगे, तो इसके लिए सरकार को अपने जितने मतलब डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक सक्रिय रूप देकर उनको इमीडिएटली प्रोसिक्यूशन शुरू कराना चाहिए,
जहां पर भी इस ढंग का उल्लंघन हो रहा है और जहां पर भी कंज्यूमर सबूत के साथ आ रहे हैं, तो स्वयंसेवी संस्था, हम ये तो कहेंगे कि हमारे देश में उपभोक्ताओं के लिए स्वयंसेवी संस्था हर मोहल्ले में होनी चाहिए। यू नो, गृहिणी लोग को बनाना चाहिए स्वयंसेवी संस्था और लोगों को जागरूक करना चाहिए और सरकार को मदद करना चाहिए इस जागरूकता अभियान में। सरकार को जागरूकता अभियान के लिए ये जितने मोहल्ले के संस्थाएं हैं उनको अनुदान देकर उनको और सक्रिय रूप देना चाहिए ताकि जागरूकता हो, लोग पहुंच सके। और हेल्पलाइन 24 घंटा चलना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं हेल्पलाइन 24 घंटा नहीं चलता है, जबकि ये जरूरी है कि हेल्पलाइन 24 घंटा चलना चाहिए। जैसे हम लोग चलाते हैं, हम लोग 24 घंटा हेल्पलाइन चलाते हैं, हमारे पास लोग कभी भी सोते नहीं है, हर समय हमारा टेलीफोन बजता है और लोग उठाते हैं और उसी समय यदि कोई भी लोग शिकायत करें तो वो हेल्पलाइन का कनेक्टिविटी स्टेट सरकारी दफ्तर के साथ हो जानी चाहिए ताकि तुरंत इंस्पेक्टर वो जगह पे पहुंच जाए जहां पर ये गलत काम हो रहा है। तो एक सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम हमारे देश में होना अनिवार्य है जो नहीं है। और कानून से लोग डरते नहीं है, जो लोग ये सब चोरी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हम निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे, हमको कोई पकड़ नहीं सकता है, हमारे हम सबूत नहीं देंगे। शायद बिजोन, शायद इसकी वजह ये भी है क्योंकि कोई पचड़े में फंसना नहीं चाहता है। आपने यही कहा था, आपने कहा डेफिनेटली कि आप 10, 20 या 5 रुपए के लिए क्यों एक लंबे इतने प्रोसीजर में फंसे। शायद उस पूरे प्रोसीजर को शॉर्ट करने की जरूरत है। लेकिन मुझे जरा बताइए, मैं कहीं पर जाती हूं, मुझे लगता है कि मेरे से ओवरचार्जिंग की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल एक पानी की बॉटल की, तो मुझे क्या स्टेप्स आगे लेने की जरूरत है सो दैट या तो वो मनी मुझे रिफंड हो जाए या कम से कम ये सबक मिले आगे दुकानदार को कि वो ओवर प्राइसिंग कंज्यूमर से नहीं कर सकता है। जैसा हम समझ पा रहे थे हमारे पैकेज में एक एक्सपर्ट बोल रहे थे कि आप एक रिसीट ले लीजिए, लेकिन हर कोई दुकानदार तो कोई रिसीट रखता नहीं है, सड़क का दुकानदार होता है वो रिसीट रखता नहीं है। तो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि कम से कम हम एक एंड तक पहुंच पाए इस पूरे मामले की प्रॉब्लम की। संतोष जी आपके पास डेफिनेटली, संतोष जी विल कम टू यू, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, बेजान बात पूरी कीजिए अपनी। स्वाति जी आपने बहुत ही अच्छी ढंग से समझाए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी दुकानदार आपसे पैसा नहीं ले सकता है जब तक वो रिसीट ना दें, और यदि वो जबरदस्ती आपसे कैश लेने का कोशिश कर रहा है, रिसीट नहीं दे रहे हैं, तो तुरंत दो विटनेस के सामने, दो कोई भी आपके कोई भी यू नो अगल बगल में लोग हैं उनसे एक रिटन स्टेटमेंट ले लीजिए कि आपके सामने इस ढंग का घटना हुआ, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके एक नालिश कीजिए, एक शिकायत दर्ज कर दीजिए पुलिस स्टेशन में, तो वो सबूत कोर्ट में यू नो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे पुलिस स्टेशन में लिखेंगे तो तुरंत वो एक सबूत का ढंग ले लेगा। बट बेजोन, हाउ लॉन्ग इज द प्रोसीजर, ये समझना चाह रहे हैं सबको, क्योंकि पुलिस स्टेशन के नाम से भी लोग बहुत डरते हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मतलब कंज्यूमर जो फोरम्स हैं वहां पर जाके शिकायत करनी है, कोई प्रूफ दिखाना है, किस ये प्रोसीजर किस तरीके से है, कैसे आगे बढ़ा जाए जहां पर शिकायतों का निपटारा हो। हालांकि कहां पर शिकायत कर सकते हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, व्हाट इज द वे आउट। इसीलिए इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, अभी सरकार ने हर स्टेट में हेल्पलाइन खोल रहे हैं, हर स्टेट में हेल्पलाइन खोल रहे हैं। हम ये बार बार कह रहे हैं कि हेल्पलाइन के साथ इंस्पेक्टर का जोड़ना बहुत जरूरी है, हेल्पलाइन के साथ सरकारी तंत्र को जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि कंज्यूमर अपने मोबाइल से यदि फोन करते हैं तो जैसे एम्बुलेंस पहुंच जाता है, जैसे पुलिस पहुंच जाती है एक सौ नंबर डायल करने से, उसी ढंग से कंज्यूमर संरक्षण का भी एक वैन होनी चाहिए जो तुरंत यू नो स्पॉट पे पहुंच जाए और कार्रवाई शुरू कर दे, तभी लोगों को विश्वास होगा तंत्र पे। लोगों को अभी तंत्र पे विश्वास नहीं होता एक्चुअली सर, हम शिकायत करने पे भी वो जब भी कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। बेजॉन आपने सही बोला, एक डेटरेंट होना चाहिए, ऐसे सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए जिससे कि लोग ऐसा काम करने से बचे। संतोष शेट्टी बहुत समय से कुछ पॉइंट अपना रखना चाह रहे हैं, संतोष प्लीज गो ऑन। देखिए
मैडम देयर इज अ कंफ्यूजन हियर. द इशू हियर इज अबाउट, इफ आई अंडरस्टैंड वेल, इज के भाई एमआरपी के ऊपर बेचना नहीं है कि बात यह है कि भाई एक प्रोडक्ट का दो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस है. मैं राइट 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 सर राइट सर. तो विद जो मैं अपने पैनल मेनन साहब ने तो बहुत अच्छा समझा है कि भाई व्हाट आर द रूल्स, कि भाई ओवरचार्जिंग करते रह गए तो क्या एक्शन लेना. मगर इधर इश्यू है कि भाई एक प्रोडक्ट बाहर 10 रुपए मिलता है, वही प्रोडक्ट मॉल के अंदर 30 रुपए मिलता है. एम आई राइट? बात वो है ना? एब्सोल्युटली सर. सो इसका मतलब ये है, अगर प्रोडक्ट अगर मॉल के अंदर वो एमआरपी का 30 रुपया है एंड वो 30 रुपए बेचता है तो ही इज नॉट सेलिंग ओवर द एमआरपी. तो इश्यू ये है कि भाई उसको ज्यादा भाव का, उसको ज्यादा एमआरपी का चीज वो क्यों मंगाता है और कंपनी क्यों बना के दे रहा है उसको. सर हम ये कह रहे हैं, मुझे कि... बात बताओ, हाँ, ये जो एमआरपी एमआरपी डिसाइड कौन करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. आप डिसाइड कौन करते हैं प्रोडक्ट का एमआरपी डिसाइड करने लगे? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही करता है. राइट राइट. एमआरपी से ज्यादा क्यों? मतलब एक ही प्रोडक्ट के दो अलग दाम कैसे? मतलब कोई आप कोई सामान लेते हैं, जैसे पानी की बोतल लेते हैं, एक जगह आपको 10 रुपए, वही मॉल के अंदर आपको 20 या 30 रुपए की क्यों मिलती है? आपने कभी सोचा है? ये ड्यूअल प्राइसिंग का पूरा मसला, इसको हम समझते हैं. हमारे साथ इस वक्त पीएच पारेख सर भी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के. पारेख सर बहुत स्वागत है आपका डिस्कशन में. आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं जब हम ऑलरेडी एमआरपी और ड्यूअल प्राइसिंग के कई कुछ मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे व्हाट डज एमआरपी एक्ट से अबाउट ड्यूअल प्राइसिंग. मतलब एक ही जो कोई प्रोडक्ट है उसके दो दो दामों के बारे में एक्ट क्या कहता है? एक तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का जो कंसेप्ट है ये है कि उसमें जो भी प्राइस लिखा जाए उससे आप कम ले सकते लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सके. लेकिन जब मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कंपलसरी है कि आपको लिखना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट बॉटल हो या कोई भी पैकेजिंग हो, तो उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि एमआरपी इज सो एंड सो. दूसरा, जो एमआरपी आप अलग अलग जगह के लिए अलग अलग नहीं कर सकते हैं. अभी उसमें कुछ ये कानून तो 1 जनवरी 2018 से नेक्स्ट ईयर चलेगा, ऑपरेशन होगा, तब तक मुझे आई थिंक सम पीपल तो कोर्ट में जाएंगे इसको चैलेंज करने के लिए. और वो ऐसी बात करेंगे कि देखिए जब मेरे पास, मैं जो कोका कोला देता हूँ वो सेम कोका कोला है जो बाहर 10 रुपये में या 15 रुपये में मिलता है, लेकिन मैं एयर कंडीशनर रूम देता हूँ, मैं टेबल देता हूँ, मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म वाला नौकर होता है सर्विस करने वाला, उसका उसका खर्चा मुझे कौन देगा? ये तो मुझे बॉटल्स के ऊपर ही उनसे लेना पड़ेगा. तो इसीलिए कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में वो लोग इस तरह से बहस करेंगे कि भाई ये रीजनेबल नहीं है कि मान लो कोई आप छोटी सी दुकान या तो पेवमेंट पे बैठ के कोई आदमी आपको 10 रुपया में बॉटल दे सकता है, लेकिन जिसको किराया देना है दुकान का उसको किराया का भाड़ा जो होगा वो भी उसको यहाँ से कस्टमर से कलेक्ट करना होता है. पारिक सर, और जो 5 स्टार जैसे मैंने कहा तो वो कहेंगे. हाँ जी पारिक सर, इनफैक्ट हमारे साथ मान सिंह फॉर्मर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी भी जुड़ गए हैं. बिफोर आई गो टू मिस्टर मान सिंह, पारिक सर एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहेगा. सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स में आप एमआरपी से ऊपर किसी जैसे पानी की बोतल के दाम दे सकते हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू विद एडेड सर्विसेज. ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट यहाँ पर सामने आया है ये फैसला. लेकिन उसके अलावा एयरपोर्ट्स हो गया या बाकी जगहों पर बाकी दुकानों पर आप एमआरपी से ज्यादा प्राइस पर कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं, ऐसा है सर? देखिए आप एयरपोर्ट में क्या है, जो आदमी एयरपोर्ट में जो जगह लेंगे उसको किराया देंगे, जो एयरपोर्ट एयर कंडीशन एरिया में आ गया और उसका जिसके पास पावर होगा वो उनको अलाउ करेंगे तो उसको वो किराया उसको प्रोडक्ट बेचे उसमें से लेना पड़ेगा ना. तो इसीलिए ये जब पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट में आएगा तब सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना पड़ेगा कि इस तरह से जो अभी सोच रहे हैं, वरना कोई आदमी को 10 रुपया की सोडा पीना है बोलेगा मैं तो ओबेरॉय होटल में जाके मुझे 10 रुपया में सोडा दो, तो ओबेरॉय होटल कहेगा कि हम आपको 10 रुपये में नहीं दे सकते क्योंकि जो हमारी दूसरी जो प्रोडक्ट है
हमारे पास यूनिफॉर्म में आके आपको आदमी आपको सर्व करेगा, टेबल है, एयर कंडीशन है, इसलिए तब कोर्ट को कुछ वाया मीडिया निकालना पड़ेगा कि जो नॉर्मल बॉटल नॉर्मल वे में बेचते हैं तो उसमें तो एमआरपी लगेगा। फिर दूसरा फिर ऐसा कुछ करेंगे लोग कि हम आपको एंट्री चार्ज करेंगे, आपको यदि हमारे होटल में आना है रेस्टोरेंट में सोडा पीने के लिए तो एंट्री का आप हमको 200 रुपया 300 रुपया दो और फिर आपका एमआरपी ही हम लेंगे, बॉटल का तो 10 रुपया लेंगे, हम एंट्री लेंगे। इसलिए इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड लीगली होगा। जो आज जैसे लोग बहुत खुश हो गए हैं कि एमआरपी आ गया राइट सर, तो ये अच्छी चीज है, अच्छी बात भी है, लेकिन मैं मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसमें काफी लंबा लिटिगेशन होगा और लोग कहेंगे और कुछ उनका रीजनेबलनेस ये भी है कि मैं दूसरी सर्विस भी देता हूँ, मैं सिर्फ उनको कोका कोला की बॉटल नहीं देता हूँ। पारिक सर आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं, बट एल मानसिंह सर इससे तो मतलब जो एमआरपी का पूरा कॉन्सेप्ट ही है वो ही पूरा कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि पारिक सर भी कह रहे हैं कुछ लोग अब कोर्ट में भी पहुंच जाएंगे, हम तो एडिड सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें एडिशनल। अच्छा अब ये भी हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा प्राइस बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट का पानी की बोतल में एडिड मिनरल्स लिख दिया या कुछ और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो फॉर अ कंज्यूमर इट्स सो कंफ्यूजिंग फॉर मी सर कि मैं कहीं पर 10 रुपए दे रही हूँ कहीं पर 30 रुपए दे रही हूँ, मैं क्या करूं इसके लिए? नहीं ये जो एमआरपी ये कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कानूनी तौर पे ये मैंडेटरी है कि आपको आपका प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी बताना चाहिए। ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि एमआरपी जो है ये सरकार की तरफ से कोई रेगुलेटेड प्राइस नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर खुद ही डिसाइड करता है कि एमआरपी कितना होना चाहिए, वही वो इंडिकेट करता है और ये स्टैंडर्ड प्राइस है अक्रॉस द कंट्री, सो इट इज ए वेटेड एवरेज प्राइस, उसमें मार्जिन काफी मात्रा ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो इसीलिए आप दो तीन आपको एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारे रेगुलेटेड जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रिटेल आउटलेट्स है वहाँ वो एमआरपी के नीचे आपको प्रोडक्ट देते हैं और बताते भी है कि आप एमआरपी के ऊपर इतना सेव कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि भाई एम्बियंस के वजह से, इसको कहते हैं कि भाई हम होटल में जाते हैं तो एम्बियंस के वजह से आपको वो कई गुणा उससे ज्यादा आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। ये मेरे राय पे ये सही आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है सर्विसेस है एक कोई होटल में रेस्तरा में उसमें कोई एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपने एम्बियंस के बेसिस पे नाम के बेसिस पे वो चार्ज करते हैं। सिर्फ एक पानी का बॉटल या कोका कोला के बॉटल के ऊपर आप कहेंगे कि नहीं हम 10 रुपए के जगह 100 रुपया चार्ज करेंगे, ये हमारे राय पे ये जस्टिफाइड नहीं है। और ये भी आप मान सकते हैं कि भाई वही प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो ये है उसका तो कोई फेर नहीं होगा, आप कहाँ भी सर्व करेंगे और वो जो कैन जो आप कोका कोला का या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का लेते हैं तो वो तो आपको चिल्ड मिलता है, वो उसी बेसिस पे उसका प्राइस एमआरपी डिसाइड होता है। एक चीज आपने आपसे तो, पूछी थी यहाँ पर मेरे मतलब, राय पे एक प्रोडक्ट का दाम मैन्युफैक्चरर ने सेट कर दिया, मानिए 20 रुपए एक पानी की बोतल का, वो मुझे एक दुकान से मिल रहा है 20 रुपए, अब वो 20 रुपए का जो 100 रुपए दाम एमआरपी लिखा है जो कि एक मानिए मॉल में मिल रहा है, वो 100 रुपए किसने लिखा है, मैन्युफैक्चरर ने लिखा है या जो बेच रहा है उसने लिखा है? नहीं वो इसीलिए अभी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग कंज्यूमर्स कोर्ट पे गए थे कि भाई जब एमआरपी एक्स अमाउंट है वो ज्यादा कैसे चार्ज कर रहे हैं, ये एक अपराध है, तो उसको उसको अवॉइड करने के लिए अभी उसका दूसरा एक एमआरपी उसके ऊपर लिखा जाता है। ये भी मेरे राय पे ये जस्टिफाइबल प्रैक्टिस नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखिए एयरलाइंस में आप फ्लाई करिए इकोनॉमी क्लास में, बजट एयरलाइंस में जाइए
तब भी आपको पानी का बॉटल फ्री मिलता है और वो बॉटल आप चेक करिए नेक्स्ट टाइम कि उसमें लिखा जाता है स्पेशली पैक फॉर एयरलाइन एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब है वो हाँ। तो ये मेरे राय पे ये एब्सोल्युटली जस्टिफाइड नहीं हो सकता है कि आप 10 रुपए का प्रोडक्ट आप 100 रुपए में बेचेंगे, तो ये तो प्रॉफिटियरिंग कहा जाएगा। बिल्कुल प्रॉफिटियरिंग है ये। संतोष शेट्टी साहब क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे जो दो एक्सपर्ट्स हैं एल मानसिंह सर और पीएच पारिक जी, वो कह रहे हैं कि क्यों रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं दे आर रिजॉर्टिंग टू सच अ मेथड, ये सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बट स्टिल हो सकता है मामला और ज्यादा आगे जाके दोबारा से कोर्ट में जाए। With all due respect to a panelist, especially L. Mansingh ji, उनका व्यू जो है इट cannot be above the court's view. अगर if you permit me, मेरे पास एक कोर्ट का ऑर्डर है, तो अगर permit किया तो मैं 2 मिनट में थोड़ा पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। In a nutshell, so that we get an idea and then we'll get reaction from Mr. P.H. Parekh, he is senior advocate Supreme Court. Mr. Shetty, please go on. As read in a nutshell, this is one of the it's a High Court judiciary of state of Telangana. As I read the small thing, the customer does not enter a hotel or a restaurant to make a simple purchase of these commodities. It may well be that the client would order for nothing beyond a bottle of water or a beverage, but its direct purpose is in doing so would clearly travel to enjoying the ambience available therein. Itna hi tha. To Mansingh ji, all due respect. आपको ओपिनियन ठीक है, बट यू आर नॉट अबाउट द कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर बिजॉन मिश्रा पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी है, पीएच पारिक सर भी, कंज्यूमर एक्स कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हल मानसिंह जी, उन्होंने कहा कि ठीक है ड्यूअल प्राइसिंग एक्चुअली कानून से सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यहाँ पर दिया है राय, लेकिन फिर भी हर काफी जगह ऐसी है जहां पर एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग दाम लिए जा रहे हैं। हम सिर्फ रेस्टोरेंट होटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, संतोष जी हमारे साथ जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुकानें हैं जो एक्चुअली ज्यादा दाम पर कीमतों पर किसी प्रोडक्ट को वसूलती हैं अभी भी, और एयरपोर्ट और मॉल्स की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्वाति जी, शुड आई कम? बिल्कुल बिल्कुल, गो ऑन मिस्टर बिजॉन। सी, हमारा देश में अभी तक कोई कानून नहीं है जो क्लैरिटी लाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। ये लीगल मेट्रोलॉजी केवल एक मैंडेटरी किया है कि आपको एमआरपी डिस्प्ले करना होगा जो मैन्युफैक्चरर्स के प्रेमिसेस से प्रोडक्ट निकलने के पहले, वो एमआरपी लिख के बाहर आना अनिवार्य है कानूनी रूप से। और हमारे देश में कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज्यादा बेच नहीं सकता है, ये कानूनी है। लेकिन इसमें क्लैरिटी ये नहीं है कि जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर होगा, प्राइसिंग कौन डिटरमिन करेगा, प्राइसिंग कैसे बनेगा, किस ढंग से इंटरनल ट्रेड होगा, हमारे मैन्युफैक्चरर सेट करता है एक ही प्रोडक्ट की प्राइस, पॉलिसी नहीं है, प्रोडक्ट की प्राइस तो मैन्युफैक्चरर तय करता है। एग्जैक्टली, सो एक ही प्रोडक्ट की प्राइस, एक ही प्रोडक्ट के प्राइस मैन्युफैक्चरर कैन पुट 20 डिफरेंट एमआरपीज फॉर 20 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल जो बेच रहा है। हमारे देश में ये आज के दिन में ये कानून है कि एज लॉन्ग एज वो एमआरपी लिखकर भेज रहा है, और ये लिखकर जैसे मानसिंह साहब ने बोला कि हम इंडिगो एयरलाइन के लिए पैकेज कर रहे हैं और इसलिए हम इंडिगो के लिए ये एमआरपी लिख रहे हैं, तो ये क्लैरिफाई भी करता है, ही इज नॉट वायलेटिंग द लॉ, वो एमआरपी लिखकर भेज रहा है। सो कानून में संशोधन होना अनिवार्य है, क्लैरिटी लाना अनिवार्य है, हमारे देश में इंटरनल ट्रेड का पॉलिसी, इंटरनल ट्रेड का लॉ लाना अनिवार्य है, जो आज तक नहीं है हमारे देश में। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्व भर में जो एमआरपी लिखा जाता है वो जहां पर बिकता है वहां लिखते हैं, वहां लिखा जाता है। मानसिंह सर से इसका रिप्लाई लेते हैं। मानसिंह सर, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द प्राइसेस, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ सकता है ऑफ द प्रोडक्ट्स? ना, आई डोंट वांट, यू नो, ये गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कानूनन एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है किसी भी कायदा में, इंक्लूडिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
कि प्रॉफिटियरिंग क्या है, कि कोई चीज जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विथ लेट्स से 20% मार्जिन आपको 10 रुपए में मिलना चाहिए, उसको अगर 100 रुपए में बेच रहे हैं, दिस शुड बी इन माय ओपिनियन शुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिटियरिंग। वो ये होना चाहिए कि भाई मार्जिन ये इस पे क्लैरिटी है ही नहीं। जो मिस्टर बिजन मिश्रा बोल रहे हैं ये सही है कि इसके ऊपर बहुत कोर्ट केसेस हैं, डिस्कशन है, लेकिन अभी तक कोई कायदा लाया गया नहीं, अभी तक लाया नहीं गया है। और सरकार की तरफ से ये भी अनाउंस कर चुके किया गया है कि ये जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है डुअल ट्रिपल प्राइसिंग एक ही प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए मंत्री जी पब्लिकली भी अनाउंस किए हैं कि इसके लिए सरकार ने कोई कायदा लाएगा। तो हमारे राय पे ये जो कोर्ट्स का डिसीजन है उसको भी ध्यान पे रखे नजर रख के आपको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर विदाउट अफेक्टिंग द रीजनेबल इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर, ये एक बैलेंस व्यू लेके उसका कायदा पे प्रावधान करना चाहिए। पीएच पारिक सर, क्योंकि जैसा कि मानसिंह सर भी कह रहे हैं, क्योंकि हमसे जब बीएन दीक्षित सर ने बात की, इस डायरेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन, उन्होंने कहा कि कई राज्यों में एमआरपी एक्ट अच्छे से लागू हो रहा है लेकिन कई राज्यों में नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मेट्रोलॉजिकल विभाग की ये कोशिश है, निगरानी भी रख रहे हैं कि मार्च तक में हर राज्य में एमआरपी एनफोर्समेंट एक्ट को पूरी तरह से लागू कर लिया जाएगा। बट यू थिंक इसमें कुछ बीच में एक्चुअली कुछ परेशानियां हैं जो कि आ रही, जैसा आपने कहा कि मामला एक्चुअली उतना आसान और सिंपल नहीं है जितना है लगता है। देखिए, जो जब भी कोई भी कानून बनता है तो उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन करके लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट की ड्यूटी है कि वैलिड है या इनवैलिड है। दूसरी, कोर्ट ये भी कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनरीजनेबल है। और उसके टाइम मान लो कोई होटल कहे कि मेरे पास रेस्टोरेंट है 5-star होटल के, वहाँ 60 सीट्स है, मान लो 60 लोग आ जाए कि बोले मुझे एक बोतल पानी दो 10 रुपये का और मैं यहाँ 6 घंटा तक बैठूंगा, तो उसको जब कोर्ट डिसाइड करे कि क्या ये रीजनेबल इंटरप्रिटेशन होगा। इसीलिए एक कानून इतना आसानी से नहीं इम्प्लीमेंट होगा। जब ये सवाल आएगा कि क्या ये कोर्ट जो 5-star में आदमी पानी पीने या कोका कोला पीने, क्या वो कोका कोला पीने के लिए जाता है या उस वहाँ किसी के साथ बातचीत करना है, मिलना है, और वो एम्बियंस उनका चाहिए। इसलिए ये सारी चीज़ें कोर्ट में दोनों पक्ष कहेंगे, सरकार होगा, कंज्यूमर होंगे और द मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उसके बाद ये होगा। लेकिन ये जो आज लोग खुश है, मैं भी खुश हूँ कि एक अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये बहुत इतना आसान नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे उन्होंने जनवरी नेक्स्ट ईयर से एनफोर्स किया है, लेकिन इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएगा और तब जाके फाइनली सुप्रीम कोर्ट में उसका डिसीजन होगा कि इसमें से क्या क्या जो पारिक सर, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स को तो इस मामले में रियायत दे ही दी है। लेकिन यहाँ पर संतोष शेट्टी सर, आपसे ये समझ जाएंगे, चलिए रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स हैं वो एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठ के सर्विसेज भी ले रहे हैं, खाना वाना खाया, पानी भी पी लिया, चलिए 10 रुपए का नहीं 40 रुपए का ही ले लिया। बट वॉट अबाउट, आपसे इनफैक्ट इस पर व्यू चाहेंगे, वॉट अबाउट मॉल्स, मॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट्स में जाते हैं, वहां पर भी दुकानें होती हैं, जैसे मॉल्स में आप जाइए एक पर्टिकुलर दुकान होगी वहां पर जाके आप पानी की बॉटल ले लेते हैं, वो भी तो अलग प्राइस पर देते हैं सर, वहां पर आपको कौन सा ग्लास में डाल के पानी दे रहे हैं या कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं। देखो, इस रिगार्ड में एज अ बिजनेस पर्सन तो पारिक जी ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया जी, ही इज अ एडवोकेट हिमसेल्फ, सीनियर एडवोकेट, दिया कि भाई एक बिजनेस में और भी सारे बहुत ओवरहेड्स देते हैं, तो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड, और वो क्या है, कौन सा हद तक है, दैट इज तो समझो इंडिविजुअल के ऊपर है जो रेंट देते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है मानसिंह, इफ यू परमिट मी, मेरे को जरा मानसिंह साहब से क्वेश्चन पूछना है। बताइए क्या पॉइंट है आपका। हेलो, बताइए संतोष क्या पॉइंट है आपका। मेरे को मानसिंह साहब से क्वेश्चन पूछना है,
कि जब भी वेन एवर द एमआरपी डिसाइडेड समझो जो प्रोडक्ट बनाता है ही हैज टू गिव द गवर्नमेंट करेक्ट मी इफ आई एम मानसिंह जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ही हैज टू गिव द गवर्नमेंट उसका प्राइसिंग क्या है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं बाद में अल्टीमेटली टैक्सेस लगा के एमआरपी बनता है मैं राइट सर दैट इज एक्चुअली एमआरपी इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एमआरपी इज डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर एट हिज डिस्क्रिप्शन उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है लेकिन एक बार वो एमआरपी डिसाइड करता है उसके ऊपर वो जीएसटी आ जाता है और उसके बाद ही एमआरपी वो प्रिंट होता है जब वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस वो छोड़ता है तो प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी अनिवार्य हो जाता है तो वही एमआरपी वो हम जैसे अर्लियर कह चुके हैं ऑलरेडी काफी मार्जिन है क्योंकि ये वेटेड एवरेज है वो सभी जगह पे एक ही एमआरपी पे आपको वही प्रोडक्ट मिल रहा है ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स उसको काफी मार्जिन लेके उसको एमआरपी तय करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लगता है तो एक दृष्टि से आप देखिए ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसे प्योरली फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू उनको कोई आपत्ति नहीं है कि भाई वो ज्यादा एमआरपी बता रहे हैं क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा है उसके ऊपर तो आई होप जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जैसे पारिक साहब बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट वेरी ऑफन हैज टेकन यू नो ए प्रो कंज्यूमर स्टैंड कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट होना चाहिए सो ये ध्यान में रखा जाके अगर एक बैलेंस व्यू लिया जा सकता है कि भाई वो प्रॉफिटियरिंग नहीं होना चाहिए किसी को ये परमिसिबल नहीं है कि आप प्रॉफिटियरिंग कर सकते हैं प्रॉफिट बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन प्रॉफिटियरिंग नहीं होना चाहिए संतोष यू गॉट योर पॉइंट जो आप जानना चाह रहे थे कि आपको कोई और पॉइंट यहाँ पर रखना है फिर उसके बाद मुझे पीएच पारिक सर और बेजॉन के पास जाना है कुछ और पॉइंट्स के लिए आई जस्ट से वन थिंग विद दिस रिगार्ड एज पर द लॉ जो हम समझते हैं पारिक जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि भाई अगर वो एमआरपी में बेचता है तो ही इज नॉट ब्रेकिंग लॉ एमआरपी 100 रुपये रहेगा या 200 रुपये रहेगा ही इज नॉट ब्रेकिंग द लॉ अभी इधर इश्यू ये है कि भाई वही प्रोडक्ट का वो भाव ज्यादा लगा रहा है बट इट इज ऑलरेडी ऑन एमआरपी तो इसमें लीगली कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो पारिक सर ये थोड़ा जो इन्होंने संतोष शेट्टी ने पॉइंट रखा है आपको वही मैं जानना चाह रही थी कि उस प्रोडक्ट पे एमआरपी तो मानिए 100 रुपए लिखी हुई है तो क्या एक डिफाइन करने की जरूरत है कि ये बॉटल जो मेरे पास है 20 रुपए की उसके ऊपर 30 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद एडिशनल सर्विसेज ये क्लैरिटी कहीं पर नहीं होती है या करे एक क्लैरिटी नहीं होती है जो एमआरपी का मतलब है कि उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते और उससे कम ले सकते हैं यदि उसमें 50 रुपया लिखा है तो आप 30 रुपये में बेच सकते हैं 40 रुपये में बेच सकते लेकिन 50 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले सकते तो दैट इज़ एमआरपी नाउ जब एमआरपी के बेसिस पे ये सवाल आएगा कि जैसे आपने बोला कि एयरपोर्ट में नाउ एयरपोर्ट में जो आदमी बेचेगा कोका कोला उसको कितना किराया देना पड़ेगा वो जगह रखने का इसलिए जो कहते हैं कि एयरपोर्ट में क्यों आप ज़्यादा लोग हैं वो ज़्यादा इसीलिए डिमांड करेगा और इस तरह से उसकी बहस होगी कि देखिए एयरपोर्ट में तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है मुझे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इतना पैसा देना है तो मैं यदि 10 रुपये की बॉटल 10 रुपये में बेचूँ तो मैं किराया कहाँ से दूंगा इसी तरह से मॉल में भी लोगों को किराया पे लेना आता है तो ये सारे जब क्वेश्चंस आंसर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे तीनों तरफ से जैसे मैंने बोला कंज्यूमर भी काफ़ी आजकल पावरफुल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलेंगे मैन्युफैक्चरर्स भी बोलेंगे और सरकार भी बोलेंगी और उसके बाद कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस सुप्रीम कोर्ट को बनाना पड़ेंगे ताकि वो बोलेंगे इस तरह से यदि सिंपल जगह है तो वहाँ नॉट मोर देन MRP पारिक सर तो जैसा कि एलमान सिंह सर कह रहे थे कि प्रॉफिटेयरिंग का क्योंकि यहाँ पर मामला है क्या प्रॉफिटेयरिंग को लेकर भी कुछ सख्त रूल्स यहाँ पर होने चाहिए एंटी प्रॉफिटेयरिंग काइंड ऑफ सम बिल्कुल सही है कि ये जो कानून ये जो कानून बनाया है वो एंटी प्रॉफिटेयरिंग के लिए बनाया है तो वो बात तो अच्छी है क्योंकि वरना तो एक्सप्लॉइट करते हैं और कंज्यूमर को कोई चॉइस नहीं होता है कंज्यूमर को यदि पानी पीना है
तो ही विल लाइक टू हैव अ गुड वाटर, तो उसको देना ही पड़ेगा जो भी वहाँ लिखा है, 50 रुपया लिखा है, 10 रुपया लिखा है, जो भी लिखा है देना पड़ेगा। लेकिन ये अभी किया है कि हर एक जगह वही प्राइस लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बोतल पे 10 रुपया लिखो, दूसरी बोतल पे 30 रुपया लिखो, वो एक कानून से तो कानून तो अच्छा है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है इन वेरी नटशेल, ये मार्जिन किसके पास जाता है? ये मैन्युफैक्चरर के पास ही जाता है? ये जो 10 रुपए मानी एक्स्ट्रा ले रहा है वो किसी रेस्टोरेंट में अपनी कोई सामान बेचने के लिए, इसका ब्रेकअप किस तरीके का होता है? नहीं देखिए, कौन लेता है उसका कोई ब्रेकअप नहीं होता, हर एक पर्सन टू पर्सन अलग होता है। ठीक है, जब वो खरीदेंगे तो वो तो बड़े क्रेट खरीदेंगे, 100 क्रेट लेंगे तो उसका जो पेमेंट दे दिया, फिर वो जो बेचेंगे तो उसमें लिखा है कि नॉट मोर देन 10 रुपीज, तो 9 रुपीज में बेच सकते, 8 रुपीज में बेच सकते, लेकिन 10 लिखा है तो 11 रुपीज में नहीं बेच सकते। इसलिए इसमें पॉइंट जो सरकार ने लाया है कि भाई आप MRP लिखो और MRP से एक पैसा भी ज़्यादा नहीं ले सकोगे, ये अच्छा कानून है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वेरियस डिफरेंट इश्यूज आ जाएंगे कोर्ट के पास, तब कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कोई भी हो, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हो, वो भी नहीं चाहेंगे कि भाई आप ताज होटल में जाके आप 10 रुपया में 5 घंटा बैठ जाओ कि मैं तो 10 रुपया की 5 बोतल पानी पीऊँ, ऐसा कोई करेंगे नहीं, कोई ऐसे कोई स्टूपिड आदमी। लेकिन कई लोग चाहेंगे कि भाई चलो बैठते एयर कंडीशनर बैठे, क्या जल्दी हमने 10 रुपया की बोतल तो खरीदी है। तो इस तरह से कोर्ट को कुछ ना कुछ उसका इफ्स एंड बट्स करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर कंज्यूमर्स को कैसे फायदा हो, ऐसे तमाम जितने भी हमारे सामने केसेस आते हैं ड्यूअल प्राइसिंग के बेजॉन, इसमें कंज्यूमर्स को किन कैसी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है सो दैट दे नो उनके राइट्स क्या है, वेरी इन वेरी नटशेल। फर्स्टली दे शुड, पहला बात यह है कि कभी भी MRP से ज्यादा पेमेंट नहीं करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कहीं पर भी वो जहां उनको महसूस हो रहा है कि कोई जगह पे वो लोग MRP भले लिखा हो लेकिन वो सही नहीं है, वो ज्यादा प्रॉफिटियर कर रहा है, ये ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, तो उसको भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए सरकार का। जी हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे पहले क्या होता था कि लिखा रहता था MRP प्लस टैक्सेस, राइट, इसी MRP एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होता था, हर स्टेट में अलग अलग टैक्सेस होते थे सेम प्रोडक्ट्स के। अभी जब से GST आ गया उसमें वो इंक्लूसिव हो गया, पूरा कंट्री में एक ही टैक्सेशन होगा, तो अभी सरकार को क्या करना चाहिए कि बीच बीच में इसके कॉस्टिंग्स वर्कआउट करना चाहिए और एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और हम जैसे बार बार कह रहे हैं और जो मानसिंह साहब ने भी कहा कि एक प्रॉफिटियरिंग का डेफिनेशन क्लैरिटी लानी चाहिए, right. कि प्रॉफिटियरिंग है क्या, प्रॉफिटियरिंग किसको कहेंगे, हम किस चीज को प्रॉफिटियरिंग कहेंगे, ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है जो हमारे देश में नहीं है। बिल्कुल, और इस पे देर नहीं करना चाहिए, राइट सर। इनफैक्ट ये शायद ये हमें समझने की जरूरत है कि प्रॉफिटेयरिंग किसको कह रहे हैं। जैसे संतोष भी कह रहे थे, जैसा कि एलमान सिंह सर या PH पारिक सर भी उजागर कर रहे हैं कि प्रॉफिटेयरिंग को यहाँ पर रोकने के लिए या उसको क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है, जिससे कि एक बैलेंस एनवायरमेंट बनाने की जरूरत है। हमारे एक स्पीकर ने यह भी बोला कि कंज्यूमर्स को भी नुकसान नहीं होना चाहिए कि उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, और एक बैलेंस एनवायरमेंट यहां पर मैन्युफैक्चरर्स और जो रिटेलर्स हैं उनके लिए भी होना चाहिए। हमारे पास क्योंकि समय बस इतना है, आई एम श्योर हमने काफी पहलुओं पर इस पूरे ड्यूअल MRP जो MRP जो पूरा एक मुद्दा है प्रोडक्ट्स का, उस पर बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया एलमान सिंह जी हमें अपना समय देने के लिए, बेजॉन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्कशन में, साथ ही PH पारिक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्कशन में, एंड संतोष शेट्टी हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में अपने व्यूज सामने रखने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर आप जरूर दीजिए।